ये तस्वीरें चीन की है, जहां के आसमान में उसी का रॉकेट गलती से छूटा तो हर तरफ त्राहिमाम मच गया। लोगों को वो तस्वीर याद आ गई जब इसराइल पे गाजा से रॉकेट की बौछार हुई थी। हर कोई ये सोचने लगा कि ये रॉकेट कहां से आ गया। चीन के पहाड़ी इलाकों में बसे लोगों को युद्ध का डर सताने लगा। अक्सर भारत के साथ चाल चलने वाला चीन भी इन दिनों युद्ध की आशंका में जी रहा है। बीते दिनों दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सैनिकों के साथ बीच समंदर उसकी तनातनी भी हुई थी। इसीलिए ये रॉकेट जैसे ही पहाड़ियों की ओर जाकर गिरा तो कई तरह के सवाल उठने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अपने शक्तिशाली रॉकेट का परीक्षण कर रहा था, उसी दौरान गलती से छूट गया और पहाड़ियों में जा गिरा, जिसे देखते ही वहां रॉकेट बनाने वाली कंपनी के कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सोशल मीडिया पे जब ये तस्वीर वायरल हुई तो कई लोग कहने लगे, जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। चीन ने दुश्मनों के लिए रॉकेट बनाया था, लेकिन वही रॉकेट कहीं उसका विनाश न कर दे। रॉकेट के लिए जिम्मेदार निजी कंपनी स्पेस पाइनियर ने कहा है, तियानलोंग 3 रॉकेट हेनान प्रांत के गोइंगई काउंटी केंद्र पर जमीनी जांच के दौरान अप्रत्याशित रूप से प्रक्षेपित हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। रॉकेट परीक्षण के मद्देनजर इलाके को पहले ही खाली करा लिया गया था। ये वो कंपनी है जो नए तरह के रॉकेट पे काम कर रही है। उसे ऐसा रॉकेट बनाने का जिम्मा दिया गया है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। चीन चाहता है कि वो एलन मस्क के स्पेस एक्स को टक्कर दे सके। इसके लिए लगातार नए नए शोध करवा रहा है और ये भी मस्क को ही टक्कर देने की चाल थी, लेकिन उससे पहले ही बिखर गया। हालांकि चीन जो रॉकेट बना रहा है उससे पहले ही भारत ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल बना लिया है। 23 जून 2024 इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक फाइनल टेस्ट किया था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में जैसे ही ये टेस्ट हुआ, दुनिया भर में इसरो की एक बार फिर से गूंज होने लगी। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल एक तरह का बार बार उपयोग किए जा सकने वाला स्पेस व्हीकल है, जिसकी मदद से अंतरिक्ष में कुछ भेजने के लिए हर बार नया स्पेस व्हीकल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।